हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक एट शिमला नाउ। तो मैं शिमला आ चुका हूँ। शिमला आते ही सबसे पहले काम होते हैं घर के, डाले लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो अब आज मैं पहुँच चुका हूँ लिफ्ट में, लिफ्ट की पार्किंग में हूँ, और मुझे ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मुझे शायद नीचे थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर आना पड़ा है। आज भी इतना ज़्यादा रश है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारा टूरिस्ट शिमला में आया हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे क्या टूरिस्ट के लिए शिमला खुल चुका है। तो टूरिस्ट के लिए शिमला खुल चुका है भाई। ये देखो सामने ये लिफ्ट की पार्किंग है बिल्कुल। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क की, बाज़ार चलते, देखते टूरिस्ट वहाँ पे कितना है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, अपने घर का ज़रूरी सामान और कुछ देखेंगे, फिर चलेंगे वापस घर। तब तक आपको शिमला का कुछ करूँ ओवरव्यू दिखाऊंगा मॉल रोड वगैरह पे आजकल मौसम कैसा है, और बताऊंगा शिमला का वेदर अभी क्या चल रहा है, कितना डिग्री है। स्टे ट्यून्ड। वो सामने ऊपर चर्च दिख रहा है जहाँ हमने जाना है अभी, और ये सामने ओल्ड बस स्टैंड की तरफ को रास्ता जाता है। ये देखो कितना पैक हो चुका है हमारा शिमला। ये देखो जरा सी भी जगह नहीं है भाई, ऐसा वहाँ जाके तो ऐसा लगता है बीच में बंदा भी खड़ा नहीं हो सकता कहीं। देखो बिल्कुल ही पैक है शिमला। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैंने टी शर्ट डाली है, शिमला की हवा हमेशा ही ठंडी होती है। अच्छा चलो बाज़ार चलते हैं। ये शिमला की वैले पार्किंग है, इधर पीछे खाली पड़ी है, मोस्टली यहाँ पर टूरिस्ट या फिर बड़ी गाड़ियाँ मर्सिडीज़ BMW टाइप वही लगाते हैं यहाँ पर, बाकी सारे नीचे चले आते हैं हमारी तरह लोकल। शिमला का वेदर आज 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री, टी शर्ट डाली है मैंने, बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है आजकल। आज शिमला 7th of June है डेट, समय लगभग 12 बज रहे हैं और वेदर हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। हम हाई कोर्ट की तरफ से मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं। इस ऊपर जो आप देख रहे हो ओबेरॉय क्लार्क्स, काफ़ी अच्छा होटल है। अगर अच्छा पैसा है आपके पास और मॉल पे स्टे करना है तो ये वाला होटल बढ़िया है पीछे ये। अगर आपको अच्छा पैसा है और स्टे करना है तो क्लार्क्स है, ये क्लार्क्स ओबेरॉय क्लार्क्स होटल है। खाने को तो जिनके पास भी अच्छा पैसा रहता है और जो चाहते हैं कि बिल्कुल ही मॉल रोड पे लेना है होटल, तो वो क्लार्क्स में स्टे करते हैं। इसके आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं वैसे बता दूँ, पर ये सबसे महंगा है क्लार्क्स। मैंने कहा था ना मैं हाई कोर्ट की तरफ से जा रहा हूँ, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये मुड़ गए हम, ये मुड़े और ये सीधे मॉल की तरफ को चल पड़े। ECS शैलेट डे स्कूल आएगा, US क्लब वाला एरिया है ये, यहाँ से उधर को मॉल शुरू हो जाता है, उधर को शुरू हो जाते हैं होटल्स। US क्लब वाली साइड मॉल रोड से सीधे आओगे, यहाँ पे कम से कम 6 या 7 होटल्स हैं आसपास ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े। और जाखू वाली साइड पे यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, डायरेक्ट आके ही पता कर सकते हैं, वरना सीज़न में मेरे ख्याल पैक होते हैं, ऑनलाइन देख लेना। अवध पैलेस हो गया, संगीत हो गया, काफ़ी सारे होटल्स हैं, होटल ईव है यहाँ पे, श्रृंगार है, ये सारे होटल्स ही हैं। ये जी मॉल रोड शुरू हो गया। अगर आपको एक हेरिटेज वॉक करनी है ना, मतलब यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपनी वॉक को। वो टावर दिख रहा है सामने, वो म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम, और उसके आगे एडवांस स्टडीज़ है। पैदल रास्ता जाएगा, VIP एरिया है सारा, गाड़ियाँ कम होती हैं, मॉल पे तो चलती नहीं, उसके आगे थोड़ी बहुत चलती हैं। AG ऑफिस से होते हुए रास्ता वहाँ पहुँचेगा टावर के पास, टावर से आगे एडवांस स्टडीज़ है और वहाँ पे है HP स्टेट म्यूज़ियम। ये होटल जिसकी मैंने बात की थी आपसे, क्लार्क्स होटल है ये। ये विलो बैंक, ये एक और होटल है, अच्छा होटल है, थोड़ा महंगा है, और ये मिलेगा आपको सीधा मॉल रोड पे। टूरिस्ट भी इतना ज़्यादा है नहीं कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा है, नहीं है टूरिस्ट इतना कम है। लोकलाइट्स, एक्चुअली शॉपिंग का टाइम भी है लोकलाइट्स का, क्योंकि 2 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं यहाँ पे आजकल, 9 से 2 है टाइम कर्फ्यू का, तो लोकल भी ज़्यादा दिखेंगे आपको। रेड टेप का शोरूम, बस ये दुकानें शुरू हैं यहाँ से। बता दूँ आपको शिमला का मॉल रोड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल रोड्स में से एक है,
इसको फाइट कोई नहीं है, गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। मॉल रोड और रिज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का, एक तरह गाड़ियाँ नहीं चलती, बड़ा मज़ा आता है वॉक करने का। ओपट ही हो गया, जिसके सहारे में आया था शॉपिंग करने, यानी एटीएम कार्ड, वो अकाउंट लिंक भी नहीं है किसी से, वो रह गया गाड़ी में, गाड़ी खड़ी है नीचे पार्किंग में। ये शिमला लाइफ है, क्योंकि यह दुकानों के बाहर गाड़ी नहीं खड़ी होती, अब पार्किंग में जाना पड़ेगा। और भाई पार्किंग में बताऊँ आपको, इतना नीचे है ना, और लगी भी नीचे जा गया बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, बस चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी ना भाई पाताल लोक में लगी है, इतना नीचे है कसम से। एनीवेज हम तो पहाड़ी, हमको चलने की आदत है, और शिमला में बस यही है, चलते जाओ चलते जाओ। मैं लिफ्ट से आया, 10 रुपये लगे, खाली पड़ी है लिफ्ट, इतना ज़्यादा रश होता है सीज़न टाइम पे आजकल यहाँ पे, खाली पड़ी है, एक बंदा भी लाइन में नहीं लगा ढंग से, वरना यहाँ यहाँ तक लाइन होती है कई बार। दोबारा जा रहा हूँ, पहले पैदल आया था, अब लिफ्ट में जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे साथ लिफ्ट में भी कोई नहीं है, खाली, एकदम खाली, कमाल की बात। वापस से मॉल रोड पे, तो मैंने आपको बताया था कि घर का काम है, दाले दूले लिए हैं, तो हम लोअर बाजार जा रहे हैं, जहाँ पे यूजली लोकल लाइट्स ज़्यादा होते हैं, और शॉपिंग वगैरह लोकल लाइट्स यहीं से करते हैं। ये फेमस स्वीट शॉप है लोअर बाजार में, मेहरूज, बहुत ही पुरानी है भाई, जमाई पुरानी। तो ये मेहर चंद एंड ब्रदर्स है, एस्टेब्लिश हुई थी 1902 में, इतनी पुरानी शॉप है, स्वीट शॉप है, अच्छी स्वीट्स मिलते हैं यहाँ पे। बाकी तो लोअर बाजार में यही है दुकानें, स्वेटर, जीन्स वगैरह सब कुछ, जनरल आइटम्स जो होती हैं। यहाँ इसलिए ज़्यादा रश है क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे आजकल जो मार्केट्स हैं वो खुलती हैं 9 से 2 बजे तक, 2 बजे बंद हो जाएंगी, तो इसलिए लोअर बाजार में लोकल लाइट्स ही देखेंगे आपको। देखो हम एकदम पहचान लेते हैं अपनी लोकल लाइट्स को, टूरिस्ट वाली शक्ल ही नहीं है, हम सब लोकल लाइट्स घूम रहे हैं यहाँ पे। तो इस वक्त आपको आजकल खासकर रश ज़्यादा लोकल लाइट्स का दिखेगा, टूरिस्ट कम है अभी भी। मैं देखता हूँ किसी से मिला अगर टूरिस्ट से, तो पूछना चाहता हूँ कि कैसे, क्योंकि अभी भी ई पास लग रहा है और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है जो लग रही है। बाकी देखते हैं, खुल गया है पर हिमाचल, पूरा हिमाचल खुला है, आ सकते हैं, बट बी वेरी सेफ, बी वेरी कॉशियस, अभी भी कोरोना गया नहीं है, और हिमाचल में भी काफ़ी जगह काफ़ी निकला है, अभी जाके सिचुएशन थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है, ठीक है जी, समझ रहे हैं ना। मैं ना उन दुकानों के पास पहुंच रहा हूँ लोअर बाजार में, मैं यहाँ पे जब छोटा था, काफ़ी टाइम से मैंने खाया नहीं, बट यहाँ मैं हमेशा टिक्की खाता था, इन अंकल की टिक्की भाई ज़बरदस्त होती थी, बहुत खाई है मैंने। मैं दिखाता हूँ, ठहरो आपको, ये इधर को सब्जी मंडी है हमारी, लेफ्ट में दिखाओ, लाइन क्यों लगी है, ये देखो, नरेंद्र प्रख्ता की, उसमें सारे मंत्री संतरी वहीं हैं, सब लोग वहीं हैं। गाने इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितने पैसे हुए? लोअर बाजार में दुकान है, यहाँ मैं हमेशा टिक्की खाता था, आलू वाली, इट वॉज यूज टू बी डिलीशियस, काफ़ी साल से मैंने खाई नहीं है, 2 साल तो कोरोना ही चल रहा है, वैसे ही नहीं खा रहा हूँ बाहर में। अरे है नहीं, ये सब्जी मंडी के लिए लाइन लगी है, कैन यू इमेजिन, सब्जी मंडी में मतलब ऐसे नहीं भेज रहे हैं रश करके, ताकि रश, क्योंकि छोटी कम्पैक्ट जगह है वहाँ पे, तो सिर्फ थोड़े थोड़े करके छोड़ रहे हैं, इसलिए लाइन लग रही है यहाँ पे इतनी। तो अगर आपको लोअर बाजार में, अगर आप कॉस्मेटिक का सामान ढूंढ रहे हैं, अगर आपको कोई कॉस्मेटिक चाहिए कैसा भी, कुछ भी तरह का, तो मैं आपको बता देता हूँ, लोअर बाजार में एक शॉप है जिसका नाम है रेवानंद, रेवानंद, रेवानंद पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, सब कुछ, सब कुछ, बीट एनी कॉस्मेटिक, कुछ भी सामान छोटा बड़ा, ये सब सब कुछ, क्रीमें वगैरह सब कुछ लोअर बाजार में। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, लोकल लाइट्स का ये रेवानंद सामने,
रामचंद्र रेवानंद की दुकान लोअर बाजार में, ये वाली। शॉपिंग भाई, ये लोअर बाजार में और अच्छी बेल्ट देते हैं, ये देख रहे हो इनकी अच्छी बेल्ट होती हैं। मैंने भी लिया इनसे, बड़ी चली है भाई, बहुत लोअर बाजार में शॉपिंग। ये है जी पंसारी वाली दुकान, पंसारी मतलब जहाँ पे मिलता ना आपको सब कुछ, मसाले वसाले छोटे मोटे, ये उस लोअर बाजार में। अब आई टेक यू टू अ प्लेस, ये सीधा देखो सीढ़ियाँ देख लो, ये जा रही हैं मॉल रोड और रिज की तरफ, अगर आपने ज़्यादा ही शॉर्टकट लेना है तो। अब आपको ले जाएंगे हम गंज बाज़ार। गंज बाज़ार है जी वो जगह जहाँ पे हमें राशन मिलता है, यहाँ पे राशन की दुकानें एक ही साथ हैं सारी, मसाले दालें बादाम पिस्ता काजू, यह है गंज बाज़ार। अब लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। मैं नए शिमला में सेटल हुए हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से लेते हैं दालें वगैरह मेन मार्केट का, तो फिर आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ठीक अच्छे रेट पे दालें हो गई मसाले हो गए सब कुछ मिल जाएगा। तो ये गंज बाज़ार है, मसाला मार्केट है। वो पार्किंग जहाँ से हम आए अभी लिफ्ट की, वो ट्रिपल एच होटल हॉलीडे होम, गवर्नमेंट के अंडर आता है, एचपी टूरिज्म का होटल है। मतलब यहाँ से पैदल भी आप नीचे को उतरेंगे तो लिफ्ट की तरफ पहुँच जाएंगे गंज बाज़ार से ही। अगर आपकी नाक तेज़ है मास्क में भी आपको यहाँ पे मसालों की ऐसी बढ़िया खुशबू आएगी, हाँ मज़ा आ जाएगा। ये देखो पीछे ये मसाले, तो अगर आपकी नाक तेज़ है तो आपको मस्त खुशबू आएगी मसालों की। यहाँ पे पीसे हुए मसाले भी मिल जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मतलब इकट्ठा अगर आपको ले जाना हो ना राशन अपने घर के लिए तो यहाँ आके ले जा सकते हो, यहाँ से इकट्ठा पैक कराए और लेके चले गए, ठीक जगह है, ठीक रेट में और काफ़ी वैरायटी हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, दालों से लेके सब कुछ बादाम वगैरह। ये तो टाइम पास कर रहा है जी। तो जो दुकान और बिजनेस होता है ना वो सामान से नहीं, वो डीलिंग से चलता है। तो अगर आपको डीलिंग सीखनी है तो गंज बाज़ार में अंकल जहाँ से मैं राशन लेता हूँ, फ़कीर चंद नाम से शॉप है, इन अंकल से बात करना या इन अंकल से देखना आप कैसे डीलिंग करते हैं, मतलब हमेशा आप यहीं पे आओगे इनकी डीलिंग की वजह से खींचे आओगे, इतना नाइस और इतनी मज़ेदार बिहेव करते हैं ना, मज़ा आता है। बाकी आप रश देख के समझ ही जाएंगे दुकान पर। अब हम लोअर बाज़ार के दूसरे एंड पे पहुंच गए हैं जहां पे आपको कुछ इलेक्ट्रिकल्स और स्टेशनरी अगर आपको ख़रीदनी है, इनकेस कोई बुक्स वगैरह हैं तो फिर आपको यहां आना पड़ेगा। ये सामने यहां आपको स्टेशनरी मिल जाएगी, और अगर आप दूध जलेबी के शौकीन हैं, अगर आपको दूध और जलेबी खाना है तो यहां पे नत्थू राम एंड सन्स है, हलवाई की दुकान है लोअर बाज़ार में एंड वाली साइड पर, ये है ठीक है, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। ये है जी यहाँ पे म्यूज़िकल शॉप जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे सारे। तो मैं यहाँ क्यों आया था, अच्छा ये तिब्बतन मार्केट को जाती है टनल, ये वाली पीछे लोअर बाज़ार में से ही है, तिब्बतन मार्केट को जाती है। मैं यहाँ क्यों आया था, मुझे कुछ स्टेशनरी लेनी थी और थोड़ा यहाँ पे केमिस्ट वगैरह की शॉप्स भी हैं इस साइड पर, तो वहाँ आया था वो सामान ले लिया।
चले वापस। अब आप लोअर बाजार में, लोअर बाजार से गंज मार्केट आए हैं, बिल्कुल साथ में गंज मार्केट है। तो आप यहाँ से सीढ़ियों में ये वाली सीढ़ियाँ उतरेंगे, यहाँ से बड़ी जल्दी आप नीचे पहुँच जाएंगे काट रोड पे, और वहाँ से सीधा पहुँच जाएंगे आप लिफ्ट के पास। तो पैदल लाइन के हिसाब से पूरा लोअर बाजार बाज़ार क्रॉस करके नहीं जाना है। अगर तो घूमने आए तो मैं सजेस्ट करूँगा वहीं से जाओ, पर ऐसे अगर यहाँ से उतरना है तो ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर पार्किंग का हाल ख़राब रहता है, गाड़ी सजेस्ट करूँगा मत ही लाओ यहाँ पर। यहाँ लोकल जो लोग हैं वो ला लें, जो सामान समूल लेने आते हैं उनकी पार्किंग है ये, और ये बड़ी कंजस्टेड पार्किंग है और बहुत टाइम लगता है, फंस भी जाते हैं। ये देखो दालों वगैरह के होल सेलर मिलेंगे, ये गंज के नीचे वाली मार्केट ही है ये वाली, ये आपको होल सेलर ही मिलेंगे राशन रूशन वाले। तो ये समझ लो कि 2 से 5 मिनट में आप सीधे काट रोड नीचे पहुंच जाओगे सड़क पे, मेन सड़क पे, और वहां से पार्किंग बचेगी आगे आपको लगभग 2 से 5 मिनट आगे लगेंगे पार्किंग को पैदल। ये भी शॉर्टकट है, ये पहुंच गए काट रोड है, ये चला गया ओल्ड बस स्टैंड हो सामने गुरुद्वारा। आज मौसम ठीक ही रहा, अब मैं देखो टी शर्ट में घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी मतलब वेदर आजकल जो होता है वो टी शर्ट लायक ही होता है, शाम को भी हल्का पतला स्वेटर या हल्की पतली कोई जैकेट से चल जाएगा आजकल। अगर आप बाइक वगैरह भी नहीं है, बाइक वगैरह पे तो पहननी पड़ती है जैकेट, यहाँ पे गाड़ी वगैरह में या पैदल घूम रहे हैं तो हल्की पतली स्वेटर या जैकेट से चल जाएगा शाम के लिए। दिन को धूप होगी या ठीक मौसम होगा तो टी शर्ट से चल जाएगा। ये पहुँच गए जी हम, एक तो सामान है मैंने चखा हुआ अभी ना, ये मैंने बताया बस ये होल सेलर ही हैं सारे आस पास यहाँ पे, तेल वगैरह के, बटर वगैरह के, आइसक्रीम्स हो गई, ये सब। तो पहुँच गए सामने कोम्बरमेर होटल दिख रहा है आपको, ये सामने चढ़ाई चढ़ रही है जो, ये जाएगी सीधी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से भी आप लोअर बाजार से होते मॉल जा सकते हैं, शॉर्टकट ही शॉर्टकट है पैदल चलने को, पर चढ़ाई बहुत है इनकेस तब के लिए जब लिफ्ट वगैरह में नहीं जाना आपने। यहाँ से भी बस मिलती है आपको लोकल छिल्ला जाने के लिए, इनकेस आपके पास कोई पेट है, अगर पेट है कोई बीमार पड़ जाता है कोई पेट आपका, तो ये हॉस्पिटल है पशुपालन विभाग है राज्य स्तरीय, ये बिल्कुल लिफ्ट है, ये लिफ्ट के पास है बिल्कुल। इन केस मतलब कोई आप पेट लाए हैं बीमार पड़ जाता है ये दिखाना पड़ता है, बिल्कुल लिफ्ट है, लिफ्ट के पास है, पूछने की जरूरत है। लिफ्ट से थोड़ा ओल्ड बस स्टैंड वाली गुरुद्वारे वाली साइड को चलेंगे तो यहीं मिल जाएगा आपको, देखो वो लिफ्ट है और ये हॉस्पिटल है भाई, वो भी ज़रूरी है, कई लेके आते हैं प्यार करते हैं उनको बहुत, तो वो भी घुमाने को लेके आते हैं तो हो जाते हैं बीमार, बच्चे कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ आ सकते हैं दिखाने। चीज़ की बड़ी दिक्कत है पार्किंग की, यहाँ ये देखो, अच्छा ये पीछे लिफ्ट है, वो कोम्बरमेर होटल है बिल्डिंग, ये लिफ्ट है, यहाँ से हमने शुरू किया था और अब नीचे आ गया। एक चीज़ की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे पार्किंग की, कि मतलब ऐसा नहीं होता कि दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी जाएगी दिल्ली चंडीगढ़ जैसे होता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो एक जगह पार्किंग होगी, फिर जाओ इकट्ठा सामान करो फिर वापस आओ गाड़ी के पास, हर कहीं लगाओ तो चलान कटेगा। पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है शिमला में, अभी भी खास सॉल्व नहीं हुई है, सो बड़ा इशू चल रहा है अभी भी। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वही लंबी लाइन लगी है उस तो, और कहाँ है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा नीचे है। फाइनली घर पहुंच गया, सामान छोड़ा घर पे, कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर मैं कहा चलो थोड़ी एंडिंग कर लेते हैं ब्लॉग की, तो बस आ गया, सामान वगैरह ले लिया, आज की शॉपिंग होगी, बाज़ार भी आपको दिखा दिया, मौसम ऐसा ही है, ये देखो मौसम भी बढ़िया ही है, अच्छा चल रहा है शिमला में, प्लेजेंट है। अब यार ऐसा है कि अब प्लान यही चल रहे हैं कि जाए कहाँ पर, क्या प्लान करें और कहाँ जाएँ, बड़ा कुछ चल रहा है दिमाग में यार। ऐसा होता है ना, आप सोचो कि ट्रैवल व्लॉग्स नहीं ला रहा यार, ट्रैवल व्लॉग्स में भी भाई बड़ी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, प्लानिंग लगती है, सब कुछ लगता है, रैंडमली ऐसे मुंह उठा के कहीं भी नहीं चल सकते ना। कंटेंट क्रिएट करना इज़ नॉट सो इजी कि कहीं से भी कंटेंट उठा लिया कुछ भी, तो अभी बस यही चल रहा है कि क्या जा कहाँ जा सकते हैं, क्या करना है, क्या क्या किया जा सकता है, तो अभी इसी पर दिमाग चल रहा है। 3-4 लोकेशंस आ रही हैं दिमाग में, देखते हैं कौन सी है जहाँ कंटेंट अच्छा और ज़्यादा मिल जाएगा और टाइम ज़्यादा मिलेगा। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन भी चल रहा है 14 तक, अभी जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, तो देखते हैं कैसे मैनेज हो पाएगा। खैर जैसे भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम आईडी है sandy_shimla, उस पर फॉलो कर सकते हैं sandy_shimla,
और मेरी अपडेट्स उस पर आती रहती हैं। तो लेट्स सी गाइस, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। अभी आपने मेरा वीडियो देखा, आप अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह जुड़े रहेगा आने वाले टाइम में। हिमाचल में बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।